जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर महू नीमच हाईवे से लगे थड़ू गांव में एक वर्षों पुराना वटवृक्ष है। ये वृक्ष जमीन पर करीब 12 बीघा तक फैला है। ये वटवृक्ष कितना पुराना है इसकी पूरी इलाके में कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाता है। कम से कम 200-300 साल पुराना है, लगभग और भी ज़्यादा भी हो सकता है, इतना तो है। पहले बहुत गहरा था, अब जिस दिन सूख गया उससे थोड़ा चीधा पड़ गया है। कुछ अंदाजा नहीं इसका कितने साल पुराना है, और किसी ने बताया भी नहीं हमें, किसी हमारे बुजुर्गों ने नहीं बताया कि ये कितने साल का। अब ये बरगद का वृक्ष बूढ़ा होने लगा है। वृक्ष की उम्र ज्यादा होने से इसके तने और जड़ें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा जड़ें अपनी जगह छोड़ना शुरू कर चुकी हैं। इसके अलावा इस वृक्ष की सबसे खास बात यह है कि इसके नीचे हजरत गालिब शाह बाबा की दरगाह भी मौजूद है। एलिया मारा ने थोड़ी बहुत जमीन भी दे रखी है 15-16 बीघे। ये कुछ तो बाबा के नाम पे है, यहाँ हजरत गालिब शाह शहीद रहमतुल्लाह ताला के बाबा। एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे दरगाह हो और उसकी हिंदू धर्म में भी पूजा की मान्यता हो तो इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। दरगाह पे रहते हैं हम, हजरत गालिब शाह शहीद रहमतुल्लाह ताला के यहाँ, और इनके खादिम भी हम परंपरा से, आज से नहीं। थड़ोक गांव में स्थित इस वृक्ष के नीचे जायरीन बाबा की इबादत करने जिले भर से हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। मैं तो कम उम्र का जो उम्र, ये मेरे वालिद वालदा, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं, और वही खिदमत करते आ रहा है अभी तक। क्या मालूम कितनी पीढ़ी हो गई, बहुत पीढ़ी हो गई हमारी। इस वृक्ष की देखरेख को लेकर खबर है कि 10 वर्ष पहले इसकी जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारियों के हाथों में थी, लेकिन अब वो भी इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। इस बोर्ड का ये कनेक्शन था साहब कि सब एक गहरा, अगर सूरज की किरण भी नज़र नहीं आती है, इतना गहरा था ये। अब सब दूर से टूट गया है, सड़ सड़ के टूट गया है, इसका कुछ प्रबंध करें सरकार तो अच्छी बात है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ दिनों पहले जिला कलेक्टर मनोज पुष्प गांव के दौरे पर आए थे। इस दौरान कलेक्टर वट वृक्ष को भी देखने पहुंचे थे, जिसके बाद कलेक्टर पुष्प ने विशेषज्ञों की टीम बुलाने और वृक्ष के बचाव के लिए योजना बनाने की बात कही थी। सबसे पहले राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि उस एरिया का सीमांकन कर लिया जाए, ताकि भविष्य में वहां पर कोई अतिक्रमण ना हो सके। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग और PHC विभाग के कन्वर्जेंस से प्लानिंग की जा रही है कि उस एरिया का संरक्षण हो और वह अपनी प्राकृतिक संपदा हम ना खोएं। थड़ोक गांव के ग्रामीण बताते हैं कि वृक्ष के चारों तरफ मिट्टी की पाल बनाई जा रही है, ताकि वृक्ष को अधिक से अधिक पानी मिल सके। ये एक प्राचीन धरोहर है जिसको सहेजना हम सबका कर्तव्य है, और अगर इसकी हालत यही रही तो देखते ही देखते ये प्राचीन धरोहर नष्ट हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।